नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएसएन 7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह और आपको बता दें आज हम हैं गाजियाबाद में। और आपको बता दें गाजियाबाद में जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ दिनेश सिंघल जी हैं। आपको बता दें कि यहां पर उनके मेहनत और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। और आपको बता दें गाजियाबाद में पूरी पाँचों की पाँचों सीट यहाँ पर भाजपा जीती है। तो हम सर से जानते हैं किस तरह जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिला गाजियाबाद की पाँचों सीट और जो अपने ज़िले में एक धोलाना विधानसभा का आंशिक हिस्सा भी लगता है, तो कुल मिलाकर के 6 सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, मैं उसके लिए अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं। यह जीत आदरणीय योगी जी की, आदरणीय मोदी जी द्वारा किए गए 5 साल में काम, अपने प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्रीय नेतृत्व की संगठनात्मक रणनीति और उस रणनीति के अनुसार जिस तरह से बूथ स्तर पर संगठन ने काम किया है, उन्हीं की परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण जनपद गाजियाबाद की 5 सीट हम जीतने में सफल हुए। अपने समस्त कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ अध्यक्षों को, शक्ति केंद्र संयोजकों को बधाई भी देना चाहता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि उनकी मेहनत से आज जनपद गाजियाबाद कि भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। श्रेय मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आधारित मान करके, कोई सीट खतरे में प्रारंभ से ही नहीं थी। जब हम जिलाध्यक्ष बने थे तब भी प्रदेश नेतृत्व ने यह कहा था कि लोनी पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब जब विधानसभा का चुनाव आया तो हमसे कहा गया कि लोनी आपको जिता करके देनी है। हमारा सब एक एक कार्यकर्ता लगा और हमने प्रदेश नेतृत्व को जब ही आश्वस्त कर दिया था कि हम लोनी एक बार फिर से जिता करके पार्टी की झोली में देंगे। चुनाव जरूर थोड़ा टफ था, कोई भी चैनल उस चुनाव को जीता हुआ नहीं दिखा रहा था, प्रदेश को उसकी माइनस की रिपोर्ट बराबर जा रही थी, लेकिन हमने तो पत्रकार बंधुओं से और प्रदेश नेतृत्व से पहले ही कह दिया था कि हम लोनी जीतेंगे। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, अपने जो चुनाव लोग लड़ा रहे थे उनकी रणनीति पर भरोसा था, सबके कुशल नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर लोनी को कार्यकर्ताओं ने जिता करके दिखाया है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जनता से यह मैसेज देना चाहते हैं कि 5 साल के योगी जी के काम, चाहे 2 साल से फ्री में राशन देने का रहा हो, चाहे शौचालय बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ हो, मुफ्त में गैस के कनेक्शन देने का काम हुआ हो, वो बराबर जनता की सेवा योगी जी के नेतृत्व में करते रहेंगे। अगर कोई काम अधूरे छूट गए थे, उन कामों को भी पूरा करने का काम करेंगे, भयमुक्त समाज देंगे, ये हमारे संकल्प पत्र में भी लिखा है।